हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। संपत्ति के लालच में अपने भाई को आपराधिक मुकदमे में फंसाने के लिए भाई ने रची साजिश, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से नहीं मिली सफलता। अवैध कार्बाइन और 2 मैगजीन के साथ हुए गिरफ्तार। 14 करोड़ की लागत में प्रदेश में बनने वाले पहले CRC स्थल का DM ने किया निरीक्षण, कहा जून या जुलाई में मुख्यमंत्री कर सकते भूमि पूजन। कैंट थाने में तैनात ट्रेनी दारोगा को लगी गोली, हालत गंभीर, मेडिकल कॉलेज से लखनऊ रेफर। BSE ऑफिस में दिन दहाड़े पुलिस द्वारा लेखाकार को हिरासत में लिए जाने से मचा हड़कंप। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में महिला कैदियों का किया गया स्वास्थ्य परीक्षण, दी गई विधिक जानकारी। कैंट थाना क्षेत्र में दवा व्यापारी से हुई लूट की घटना का पुलिस ने किया खुलासा, लूट के रुपए के साथ एक लुटेरा गिरफ्तार, SPCT ने किया खुलासा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के नवनिर्मित संघ भवन का कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने किया उद्घाटन। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि का कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन, मोटरसाइकिल को रिक्शे पर लाद कर रिक्शा चलाकर जताया विरोध। 7वां पे कमीशन की मांग को लेकर डाक कर्मियों ने निकाला जुलूस, कहा मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा आंदोलन। लूट के 2 मोबाइल के साथ 2 अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे, SPCT ने किया खुलासा। 6 रोगियों की जानकारी सुरक्षित रखने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने समस्त 6 रोग सुपरवाइजर को दिया टैबलेट, सुपरवाइजर ने लिया संकल्प, कहा 6 रोगियों की सेवा पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते रहेंगे। चिल्लूपाल विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं को लेकर चिल्लूपाल के बसपा विधायक ने DM से की मुलाकात, कहा बरसात के पूर्व हो समस्याओं का समाधान। गंगा दशहरा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गोरखनाथ मंदिर स्थित कुंड में की मां गंगा की महाआरती। मरीजों पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ हिंदू समाज पार्टी के सदस्य मिले जिलाधिकारी से, कहा शीघ्र हो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों पर कार्रवाई। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी पर लगाया मनमानी का आरोप, कहा एक ही पटल पर कई वर्षों से जमे हैं उनके चहेते कर्मचारी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक, अल्ट्रासाउंड सेंटर को सही ढंग से संचालित करने के दिए निर्देश। छात्रवृत्ति की मांग को लेकर लगभग 2 दर्जन छात्र छात्राओं ने विकास भवन परिसर में शांतिपूर्ण तरीके से किया विरोध प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। और जिला क्रिकेट लीग में NS एकेडमी ने KS टैलेंट को 136 और रॉयल उद्यान्स में अक्की स्पोर्ट्स को 135 रनों से हराया।